Welcome back to our last segment about anxiety disorders. Sir, हमने anxiety disorders की types की बात की, diagnosis की बात की, treatments, causes की बात की. Sir, now if we talk about practical daily life examples. Sir, can you share some daily life examples of your patients who are struggling with anxiety? Sure. मैं इस सिलसिले में अपने जो clinical practice के हवाले से जो cases आए हैं और आते रहते हैं उसका मिसाल दूं तो देखने वालों को आसानी होगी समझने में और उनको मुफीद साबित होगी. एक तो मतलब है अगर एंजाइटी ये परफॉर्मेंस अगर ले लें और ये एंजाइटी कॉलम ले लें, अगर एंजाइटी कम होगी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हेल्दी एंजाइटी होगी. अगर एंजाइटी के लेवल बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंस होगी, तो परफॉर्मेंस की जो वो ग्राफ है वो नीचे आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हाँ बिल्कुल. तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बड़े टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेते हैं और फिर उन इस हालत में सीवियर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में और विद को पैनिक अटैक्स भी आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है कि दे कांट कंसंट्रेट, वो पिक नहीं कर सकते और ये सारा जो सबक है वो भूल चुके. तो एक्चुअली उनकी जो लेवल ऑफ एंग्जाइटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो दे कैन नॉट कंसंट्रेट. हम जब बातें करते हैं और पढ़ते हैं, बातें करते हैं तो बहुत से स्टिमुलाई होते हैं इर्द गिर्द के, आवाज़ें होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको इंटर करते हैं रजिस्टर, वो स्टिमुलस होता है जिस पे हमारा फोकस हो. अगर मिसाल मैं दूं कि सपोज़ फुटबॉल का मैच हो, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, तमाशाई, बातें भी करते हैं, मोपलियाँ भी कहते हैं, ठीक है, आवाज़ें भी आती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो प्लेयर्स होता है और फॉरवर्ड होता है, फिर वो गोल ले, वो बाल ले के वो गोल की तरफ बढ़ता है तो वो सारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ आता है. वो कोई उस वक्त नहीं सुनता कि कोई है स्टेडियम में, उसकी आवाज़ें, क्योंकि वो फोकस कर लेता है. तो इस तरह, लेकिन अगर एंजाइटी ज़्यादा हो तो वो फोकस नहीं कर सकता और वो कंसिक्वेंसेस पे सोचता है ऐसा स्टूडेंट कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, मैं ग्रेड लूंगा कि नहीं, मैं पोजीशन लूंगा कि नहीं. तो एक इस तरह केसेस आते हैं. तो अक्सर मैं बाकी चीज़ें उनको समझा देता हूँ लेकिन इसके साथ ये भी समझा देता हूँ कि तुम्हें कंसिक्वेंस पे नहीं सोचना है कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा. तुम ये फरामोश कर लो, तुम ये देख लो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, एक वीक है, टू वीक्स है, एक मंथ है, टू मंथ्स है, सब्जेक्ट कितने हैं और तुम किस तरह इसको डिवाइड करोगे, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, कितना आवर्स दोगे, उस पर कंसंट्रेट करो. फॉरगेट अबाउट द एग्ज़ाम, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स और बीच में रिक्रिएशन भी किया करो. तो ये होता भी है इस तरह, मतलब है जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर और वरिंग थाट्स होता है जो अनवांटेड कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑब्सेशनल फोबियाज के मतलब है तबाही आएगी और ये इसके बुरे नतज आएंगे, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि नतज पे मत सोचो, मसले पे सोचो. मसला क्या है, मसला अपने सामने रखो, उसको एनालाइज करो और उसका सलूशन ढूंढो और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की तरफ जाओ. तो एक मतलब है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उससे फिर एंग्जाइटी भी कम हो सकती है और वो एक सीख भी सकता है. एक हेल्दी वे भी है जिस तरह मैंने हेल्दी बताया, ये तरीका. एक अनहेल्दी वे है, लोग आ जाते हैं एंग्जाइटी में, टेंशन में, फिर चले जाते हैं, कोई गोली खा लेते हैं, कोई कैनबस का, हशीश का, चर्स का कश ले लेते हैं, तो वो तो फरार इख्तियार कर लेते हैं वक्ती तौर पे उससे और एंग्जाइटी उनकी कम हो जाती है. लेकिन जब उससे निकलते हैं फिर हकीकत उनके सामने होती है, फिर उनके लिए और भी मुश्किल होता है, और भी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, तो फिर वो दूसरा कश लेता है, एक सिगरेट की जगह दो पीता है, फिर इससे और भी मुश्किल होती है, फिर तीन पीता है, तीन सिगरेट.
तो इससे वो उसकी मतलब है वो सलूशन भी नहीं होता, मसला भी नहीं हल होता, उल्टा उसका जहनी उसकी जहनी बीमारी बढ़ जाती है और पैदा हो जाती है। तो ये है कि ऑलवेज आई सजेस्ट देम गो फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इन हेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेसर, जो मसला है। एक ये चीज़ें हैं, एक मसलन ये बिजनेसमैन आ जाते हैं जी, मैं जब पूछता हूँ तो उससे अंदाज़ा भी लगाता हूँ कि इसका प्रिज्यूम करता हूँ कि इसके क्या हो सकते हैं स्ट्रेसर। एक तो ये कि खुद मैं पूछूं कि क्या है, एक मैं प्रिज्यूम करूं, तो अक्सर वो बताते भी नहीं, उनको अक्सर पता भी नहीं होता। तो वो मतलब एक बिजनेसमैन होते हैं, या तो वर्क बोर्ड लोड बहुत ज़्यादा हो तो उन पे होता है, उनके साथ असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, मैनेजर की ज़रूरत होती है, या वह कारोबार में यहाँ पे तो जो तरीक़ाकार है हमारा वो नेटों पे देते हैं ना, किस्तों पे देते हैं, चीज़ों कर्ज़ों में देते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि जी वो बताते हैं खुद कि जी कस्टमर है वो 1 लाख का सौदा ले गया, उसने पैसे वापस कर दिए, फिर कुछ महीने बाद 2 महीने 2 लाख का, फिर 3 लाख 5 का, वो अब 30 लाख का ले गया, वो गायब हो गया। तो वो मैं उसको कहता हूँ कि कारोबार अपने हाथ के नीचे रखो, मुनाफा कम हो लेकिन सेटिस्फेक्शन हो, आपको ये तश्वीश ना हो कि अब मैंने ये दे दिया ये कब वापस करेगा नहीं करेगा, ये डूबेगा तो नहीं, मैं पेमेंट किस तरह करूँगा। तो वो एक मतलब है उनको मैं ये टिप्स देता हूँ और प्रैक्टिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा ये भी है कि बच्चा होता है वो उसकी हर एक की एक पोटेंशियल होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो माँ बाप को उसकी कैपेबिलिटी को देख के उसका सिलेक्शन करना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं तोड़नी चाहिए। वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं कि ये भी करो फिर हिफ्ज़ भी करो या साथ इलम भी करो, तो दोनों चीज़ें एक कुछ टाइम के बाद उनके लिए नामुमकिन हो जाती, मुश्किल हो जाती है 3-4 क्लासेस के बाद और एक चंद 4-5 ही वो पारा हिफ्ज़ करने के बाद, तो उसको एंगजाइटी हो जाती है और उसको डिप्रेशन डेवलप होती है। तो चूंकि चाइल्डहुड डिप्रेशन अलग चीज़ है, वो फिर चूंकि उसका इजहार नहीं कर सकता तो वो फिर मारकुटाई करता है, बात नहीं मानता, ना फरमानी करता है, भागता है, सब कुछ छोड़ देता है। तो वो फिर कहते हैं कि आहो ये तो नाफरमान हो गया, ये तो अब इस तरह हो गया इसका बिहेवियर। तो वो फिर मैं उसको एनालाइज़ करता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ कि अगर एक सादा सा अल्फाज में एक बंदा है वो एक 20 सेर वज़न उठा सकता है और तुम उस पे 2 मन का बोझ रखो, एक एक मन पे उठा सकता है बोझ और वज़न, और तुम उस पे 4 मन का बोझ रखो, तो वो तो नीचे गिरेगा, उसके कोलेप्स होगा। तो वो मतलब एक इस तरह मतलब ये चीज़ें केसेस आते हैं। और एक मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि एक होती है रियल सेल्फ, एक होती है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ ये कि मैं क्या हूँ, कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मुझ में डिफिशेंसी क्या है, मैं आइडियल क्या रखूँ अपने लिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो आइडियल वो रखना चाहिए जो अचीवेबल हो उस बंदे के लिए, अपने पोटेंशियल्स कैपेबिलिटीज़ को सामने रख कर उसके हिसाब से आइडियल रखे। कोशिश तो करनी होगी, मेहनत तो करनी होगी। अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में मिलते हैं इतना गैप ना हो और वो अचीवेबल हो तो वो अचीव कर लेगा, लेकिन कभी कभी वो अपना अंदाज़ा नहीं लगाते सही, मतलब वो आइडियल सेल्फ बहुत ऊपर रखते हैं, वो अपनी पोटेंशियल कैपेबिलिटीज से बाहर होता है उनका, वो फिर अचीव नहीं कर सकते, वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो अंडरमाइंड भी नहीं करना चाहिए खुद को, रियल सेल्फ है, लेकिन ओवर एस्टिमेशन भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, जो जो मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स और करियर बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि नंबर 1 शुड प्रायोरिटी शुड बी योर एजुकेशन योर करियर,
सेकंड फैमिली, उसको फिर उठाना है, आगे बढ़ाना है। थर्ड मैरिज, मैरिज जब हो, जब तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो, तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी अपनी फाउंडेशंस हो, खुद को संभाल सको, फैमिली को, मैरिज इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको संभाल सको, बीवी को, उसकी केयर कर सको, उसके बच्चे हों, उसकी एजुकेशन वगैरह, और उस मरहले पे पहुंचो तब सोचो। मतलब अगर प्री मेच्योरली एक एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं, वो बस के इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, तो फिर मैं अब सर सब सपोज नाइन्थ क्लास में, तो मैं पूछता हूँ क्या बनोगी, डॉक्टर बनूँगा या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मैं हिसाब किताब कर लेता हूँ कि इसमें तुम्हारे 8 साल लगेंगे, तो 3 साल फिर जॉब होने में, फिर अपने फाउंडेशन कमाने में, तो आपको 12-13 साल चाहिए, तो 12-13 साल के बाद जो फैसला करना है तुम अब कर रहे हो, आइए सही है, तुम उस पर सोचो। अब तुम्हारी क्या हालत होगी उस वक़्त, तुम्हारा जहन क्या होगा, और वो उसकी जो लड़की है वो उसकी जहनीत क्या होगी, जहनी हालत क्या होगी, वो किस पोजीशन पे होगा, आइडियल्स भी बदलते रहते हैं। जो हम सब इस मतलब इस मरहले से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, और लड़के गुजर रहे हैं, लड़कियां भी, 8वीं में मसलन एक आइडियल होता है 8th क्लास में, 10th में आइडियल बदलता है, 12th में FAC में एक और आइडियल बदलता है, ग्रेजुएशन करें तो एक और आइडियल चेंज हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, स्पेशलाइजेशन करें तो फिर आइडियल बदलता है, तो वक्त के साथ मेच्योरिटी और आइडियल बदलते रहते हैं। तो मतलब अगर इस किस्म की शादी का भी जो फैसला है वो सही वक्त पे करना चाहिए, और मैं उसको कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ में, तुम अगर यहाँ पास होगे, तुम इंगेजमेंट कर भी लोगे, तो तुम यहाँ पास जाओगे, तुम ना एजुकेशन आगे बढ़ा सकोगे, ना फिर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकोगे, तो अपने लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, यानी खुद को मतलब क्रिएट करोगे। तो एक चीज़ है, फिर दोस्त, अच्छे दोस्त होने चाहिए, दोस्त इस तरह हो कि कुछ अच्छी बातें आप उनसे सीखें, कुछ अच्छी बातें वो आपसे सीखें, ताकि आपकी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग में वो हेल्प कर सकें और शेयर कर सकें। तो मैं उनको एक हायरार्की देता हूँ कि मैंने कहा इस हायरार्की पे तुम जाओगे तो फिर एक मकाम पे पहुँचोगे, और एक ये जो टर्निंग पॉइंट होती है ना एडोलेसेंस, ये 10th और FAC और ये टर्निंग पॉइंट, ये एक बुनियाद तो नीचे से बनती है, लेकिन वहाँ पर कि अगर एक मकाम पर कोई लड़का या लड़की पहुंचा दे खुद को एक अच्छी पोजीशन पे, तो ज़िंदगी कुछ असुदा हाल बन जाती है, रहेगी। अगर शुरू से पंस जाए इन चीज़ों में, हायरार्की को जो नंबर 1 है उसको नीचे लाए और नंबर 2 को, 3 को ऊपर लाए, तो फिर वहीं पंस जाता है और आगे कुछ नहीं बन सकता है, और सारा मतलब एक मतलब टकरें खाता रहता है। एक मिसाल मैं और देता हूँ, मैंने कहा अगर तुम अपने लिए गोल रखोगे, एक अच्छा गोल, एक बेहतरीन गोल जो तुम समझते हो कि मैं बन सकता हूँ, कर सकता हूँ, और तुम वो गोल हासिल कर लो, तो चीज़ें खुद बहुत तुम्हारे पीछे आएंगी, ख्वाह मोबाइल हो, ख्वाह गाड़ी हो, कोई बाइक हो, सब कुछ वो खुद बहुत तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन तुम अगर गोल नहीं रखोगे और ये मुझे मोबाइल दो, 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, ये बाइक ले लो, गाड़ी मेरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और गोल नहीं रखोगे तुम इन, तो फिर इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो फिर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा, सारा मतलब माता टिक टिकते रहोगे सारी उम्र, तुम्हें हासिल कुछ नहीं होगा, फिर तुम भागोगे तुम्हारे हाथों कुछ नहीं आएगा। तो एक सिंपल सी आधा मतलब ज़ुबान में उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो मतलब है कि हर चीज़ ड्रग नहीं होती, वो एक स्ट्रेसर्स, उनकी डायनामिक्स, उसकी पर्सनैलिटी, उनको समझना पड़ता है।
और वो फिर वो मतलब एक साइकोथेरेपी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका समझने में। जी सर, मेरे माइंड में इस वक्त एक क्वेश्चन आ रहा है सर। मैं अक्सर अपने क्लास फेलोज़ को देखती हूँ बिफोर एग्ज़ाम्स और क्लास प्रेजेंटेशंस। सर वो एंड्रॉल लेते हैं सर, इट्स मेडिसिन। तो सर क्या ये एक हेल्दी वे और इट्स एन अनहेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद एनजाइटी? इंड्राल जो है वो इसको हम मैंने जिक्र किया था ना, प्रोपेनिड्रॉल, ये बीटा ब्लॉकर है। ये जो पल्स रेट है, हार्ट रेट कम करती है, मतलब ट्रेमर्स हार्ट रेट कम करती है, तो वो एंगजाइटी लेवल कम हो जाता है। इसमें सेडेशन नहीं है ऑलराइट सर। तो ले सकता है, मतलब अगर हो, अगर ना एंगजाइटी तो अच्छी बात है कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़े ज़रूरत तो इंट्राल ले सकते हैं, इसमें सेडेशन नहीं है। और इन दिनों में फिर बिल्कुल मैं कहता हूँ ये टी वगैरह जो कैफीन वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें इन दिनों में, एग्ज़ाम के दिनों में, तो इट कैन बी यूज्ड। ऑलराइट सर। सर इन द एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? मैं अब ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हेल्दी म्यूचुअल इंटरेक्शंस हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर हो, तो मसाइल कम होंगे, मुश्किलात कम होंगी। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सना। इन द एंड आई वुड से दैट मे पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी गेट द हेल्प दैट दे नीड एंड मे दे फाइंड पीस बिकॉज माइंड्स मैटर। स्टे ट्यून्ड फॉर एन अदर एपिसोड। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।